अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ब्रिज रेक्टिफायर को चेक करना सीखेंगे। और ये जो इस वक्त मेरे पास ब्रिज रेक्टिफायर है KBPC2510, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें बहुत से नंबर आते हैं, KBPC2505 भी आता है, 3510 भी आता है। तो ये एक्चुअली इसमें जो इसके एम्पेयर्स होते हैं और जो वोल्टेज हैं, ये नंबर उनको ज़ाहिर करते हैं। तो सबसे पहले इसको मैं ड्रा करता हूँ कि इसमें एक्चुअल में जो अंदर इसके डायोड होते हैं उसका कम्बिनेशन क्या होता है, तो किस तरह हम इसको फिर टेस्ट कर सकते हैं, खुद चेक कर सकते हैं, मल्टीमीटर से भी चेक किया जा सकता है इसको। और ये ज़्यादातर मेटल बॉडी में होते हैं क्योंकि इनको हीट सिंक पे माउंट किया जाता है और दरमियान में एक होल है जिससे स्क्रू लगा के इसको हीट सिंक पे फिक्स किया जाता है, ताकि हीट अगर इसमें जनरेट हो जो कि लोड की वजह से होती है तो वो रेडिएट होती रहे, इसका टेम्परेचर ज़्यादा ना बढ़े। तो सबसे पहले जो एक पिन है ये इसका जो नंबर है KBPC2510, वो यहाँ पे एक साइड में लिखा होगा, मोस्टली जो पॉजिटिव पिन होती है उसके पास लिखा होता है, तो ये आप देख भी सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसके कनेक्शन कैसे होते हैं, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव कौन सी है। तो ये देखिए, ये प्लस मार्क जहाँ पे है इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव है, और ये AC लिखा हुआ है मतलब ये AC पिन है, और पॉजिटिव के बिल्कुल जो पीछे वो नेगेटिव होती है। और जैसे ये पॉजिटिव है और इसके बिल्कुल सामने जो है ये नेगेटिव होती है, और दरमियान वाली दोनों जो हैं वो AC होती हैं। इन दोनों पे हम AC वोल्टेज देंगे, और नेगेटिव पे नेगेटिव और पॉजिटिव पे पॉजिटिव फिर हमें DC होने के बाद में मिलेगी। और इसके अंदर ब्रिज रेक्टिफायर की तरह चार डायोड ही होते हैं, तो उनको किस तरह हमने चेक करना है वो भी मैं अभी बताता हूँ आपको। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि इसका जो नंबर है, जैसे ये KBPC2510, तो इसमें जो पहले दो डिजिट हैं वो एम्पेयर्स को ज़ाहिर करते हैं। अगर यहाँ पे 35 हो तो 35 एम्पेयर की, और ये 25 है तो ये 25 एम्पेयर की है। और अगले जो दो डिजिट हैं वो वोल्टेज को ज़ाहिर करते हैं, जो भी नंबर लिखा हो उसके आगे में दो ज़ीरो लगाएंगे तो उतने वोल्टेज बन जाएंगे। जैसे इसमें ये 10 है तो आगे 00 लगेगा तो ये 1000 वोल्टेज बन जाएंगे, मतलब ये ब्रिज रेक्टिफायर जो है ये 1000 वोल्टेज तक काम कर सकती है। तो चलिए आप इसको टेस्ट करना सीखें। ये पॉजिटिव पिन है, इसके सामने बिल्कुल नेगेटिव है, नेगेटिव टू AC एक डायोड है, और यहाँ AC टू पॉजिटिव एक डायोड है, इसी तरह दूसरे दो डायोड हैं। तो इस तरह हम मल्टीमीटर को सबसे पहले जो पॉजिटिव प्रॉब है उसको नेगेटिव पे रखेंगे, और ये एक डायोड टेस्ट करेंगे, इसी तरह दूसरा उसके नेक्स्ट जो डायोड है वो टेस्ट करेंगे। रिवर्स दोनों में कोई वैल्यू शो नहीं करेगा अगर ब्रिज रेक्टिफायर ठीक है तो, अगर ओपन है बिल्कुल तो भी ख़राब है। इसी तरह दूसरे डायोड को भी हम चेक करेंगे, ये देखें, और रिवर्स कोई वैल्यू इन्हें शो नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह हम इस तरह के जो ब्रिज रेक्टिफायर हैं इनको मल्टीमीटर से टेस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और जल्दी मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।